हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये इस पैटर्न की फ्रंट साइड है फ्रेंड्स, और ये इस पैटर्न की बैक साइड है। बनाने में बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स ये, इसलिए कोई भी बिगिनर इसे इजीली बना सकता है, इजीली सीख सकता है। तो ये जो हमारा पैटर्न है फ्रेंड्स, ये वर्कआउट करता है 4+2 के स्टिच काउंट पे। मीन्स 4 के मल्टीपल के स्टिचेस होंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स, ये 6 रोज़ रिपीट डिज़ाइन पैटर्न है। 6 रोज़ में हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स हमारा ये पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सैम्पल के लिए मैंने अपनी सिलाइयों पर 58 स्टिचेस लिए हैं, और स्टिचेस बनाने के बाद ये मैंने थोड़ा सा बॉर्डर नेट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉर्डर नेट करने के बाद अब हम आगे हैं फ्रंट साइड और रो नंबर 1 में। 6 रोज़ का हमारा डिज़ाइन है, रो नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, दूसरा फंदा मैं नेट पर्ल करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर धागा दूसरी तरफ। अब ये जो दो फंदे हैं फ्रेंड्स, इनमें मैं ट्विस्ट दूँगी। तो हम ट्विस्ट कैसे देंगे, पिछले फंदे को फ्रेंड्स मैं बैक लूप से आगे ले आऊँगी और अगले फंदे को पीछे ले जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इन दोनों को एक एक करके सीधा बुन देंगे, फिर अगला फंदा उल्टा। उसके बाद धागा पीछे। अब मैं 4 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 फंदे हमने सीधे डाल लिए। यहीं से हमारी डिज़ाइन रेपिटेशन है। तो हमने क्या किया था, एक फंदा उल्टा, अगले दो फंदों पे हमारा ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बैक साइड से जो है हमने पिछले फंदे को पहले आगे ले आना है और अगले फंदे को पीछे ले जाना है सिलाइयों में, और फिर पहले इसे नेट करना है पिछले को, फिर अगले को। ठीक है, फिर अगला फंदा उल्टा। तो 4 फंदों का हमारा डिज़ाइन है, हो गए 4 फंदे कम्प्लीट। अब अगेन 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड, फिर से डिज़ाइन रेपिटेशन। तो हम क्या करेंगे, 4 फंदों का डिज़ाइन, एक फंदा उल्टा, दो फंदों पे ट्विस्ट है। तो पहले ट्विस्ट के लिए बैक साइड से पिछले फंदे को आगे और अगले फंदे को हम पीछे ले जाएंगे, फिर दोनों को एक एक करके सीधा बुन देंगे। देन अगला फंदा उल्टा, हो गया 4 फंदों का डिज़ाइन। देन अगले 4 फंदे हमारे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही डिज़ाइन रेपिटेशन हमारी होगी फर्स्ट रो में। यही चीज़ हम रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे ट्विस्ट के साथ सीधे, देन एक फंदा उल्टा और फिर अगले 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ से मैं डिज़ाइन रेपिटेशन है, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे हैं पिछली तरफ से, पिछले फंदे को पहले हम आगे लाएंगे और अगले फंदे को हम पीछे ले जाएंगे, हम ट्विस्ट देंगे। ठीक है, फिर इन्हें सीधा बुन लेंगे एक एक करके, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे हो गए, अगले 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4। तो यही चीज़ रिपीट करते हुए फ्रेंड्स हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 को कम्प्लीट करेंगे। ये ट्विस्ट, ये उल्टा, देन 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट टाइम एक फंदा उल्टा, दो पे ट्विस्ट, सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, देन हमारे अगले 4 फंदे सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 फंदे सीधे हो गए। अभी हमारा एज स्टिच है, फ्रंट साइड है, इसे हम निट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारी ये डिज़ाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे अपने डिज़ाइन की रो नंबर 2 एंड द बैक साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैक साइड में फ्रेंड्स हमें जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसे हम वैसा निट करेंगे। पहला फंदा स्लिप किया,
पर्ल को हम पर्ल करेंगे, नेट को हम नेट करेंगे. तो ये चार फंदे उल्टे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. चार फंदे उल्टे आ गए. फिर एक फंदा सीधा है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी. देन दो फंदे उल्टे हैं, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी. देन एक फंदा सीधा है, इसे सीधा बनाऊंगी. अगेन चार फंदे उल्टे. तो हमारी बैक रो में फ्रेंड्स यही होगा. पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा आएगा, फिर दो फंदे उल्टे आएंगे, फिर एक फंदा सीधा आएगा और फिर चार फंदे उल्टे आएंगे. 1, 2, 3 एंड 4. तो यही हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 2 और बैक रो है. और इसी चीज़ को रिपीट करते हुए दो फंदे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी. चार उल्टे हो गए, ये देखिए. बस इतना ध्यान रखना है आपने बैक रो में निट द निट एंड पर्ल पर्ल द पर्ल्स. ओके, मीन्स जो आपका फंदा सीधा है उसे सीधा ही बनाएंगे, जो फंदा आपका उल्टा है उसे उल्टा ही बनाएंगे. दो उल्टे आगे, अगेन एक सीधा, फिर चार उल्टे, फिर एक सीधा, दो उल्टे, फिर एक सीधा, चार उल्टे. फिर एक सीधा, दो उल्टे आए. उसके बाद एक फंदा सीधा आया. बैक रो है, एड स्टिच है, तो इसे हम उल्टा बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है. अब हम आगे हैं फ्रंट साइड एंड द बैक, फ्रंट साइड एंड द रो नंबर 3. रो नंबर 3 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, ठीक है. अगला फंदा उल्टा, अगेन हम ट्विस्ट देंगे. ट्विस्ट में हमने क्या किया था, पिछले फंदे को बैक साइड से फ्रंट में लाएंगे और अगले फंदे को फ्रंट साइड से बैक में ले जाएंगे और फिर दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे. देन अगला फंदा उल्टा और फिर उसके बाद चार फंदे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4. डिज़ाइन रेपिटेशन है, एक फंदा उल्टा, अगले दो फंदे ट्विस्ट वाले. तो ट्विस्ट हम देंगे, बैक साइड से फंदे को, पिछले फंदे को आगे लाएंगे, अगले फंदे को पीछे ले जाएंगे, ठीक है. और फिर इन्हें फंदा वन नेट कर लेंगे सीधा, ठीक है. देन उल्टा और फिर अगले चार फंदे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4. तो डिज़ाइन रेपिटेशन हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स. देखिए हल्का सा हमारा डिज़ाइन दिखना शुरू हो गया है. तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारी जो रो नंबर 3 है वो रो नंबर 1 की रेपिटेशन है. जो हमने रो नंबर 1 में किया वही हम रो नंबर 3 में करेंगे. तो देखिए अगेन मेरी डिज़ाइन रेपिटेशन होगी, एक फंदा उल्टा, दो फंदों पे हम फिर से ट्विस्ट देंगे, बैक साइड से पिछले फंदे को फ्रंट वाला बनाएंगे और फ्रंट वाले को बैक लूप बनाएंगे और फिर इन्हें एक एक करके सीधा बुन देंगे. देन अगला फंदा उल्टा और फिर अगले चार फंदे सीधे. तो फ्रेंड्स इसी तरह करके मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ. सो ये देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 3 को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है जैसे हमने रो नंबर 1 बनाई थी. अब हम आगे हैं बैक रो एंड रो नंबर 4 में. रो नंबर 4 में हम क्या करेंगे, अगेन वही फ्रेंड्स, पहला फंदा स्लिप करूँगी, निट द निट एंड पर्ल द पर्ल्स, ठीक है. जो फंदा जैसा है उसे हम वैसा बनाएंगे, उल्टे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो हमारी जो रो नंबर 4 है बेसिकली वो रेपिटेशन है हमारी रो नंबर 2 की. इस डिज़ाइन पैटर्न में फ्रेंड्स हमारी जितनी भी बैक रोज होंगी सब में एक ही चीज़ हम रिपीट करेंगे, निट द निट एंड पर्ल द पर्ल्स, ठीक है. सीधे फंदे को सीधा बनाना है, उल्टे फंदे को उल्टा बनाना है. मीन्स जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसे हमने वैसा ही बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये चार फंदे उल्टे हो गए, एक फंदा सीधा,
तो इस रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना था, चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा, फिर चार फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी जैसे हमने रो नंबर 2 को कंप्लीट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे रो नंबर 3 में बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, रो नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं रो नंबर 5 में। रो नंबर 5 में मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, पहला फंदा स्लिप, अगला फंदा उल्टा, देन अगेन दो फंदों में ट्विस्ट है, यहाँ पे हम ट्विस्ट देंगे, पिछले फंदे को आगे, अगले फंदे को पीछे ले जाएंगे और फिर दोनों को एक एक करके नेट कर देंगे, हमारा ट्विस्ट आ जाएगा इधर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फंदा उल्टा, देन अगेन चार फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी रो नंबर 5 है वो अगेन हमारी रेपिटेशन है रो नंबर 1 की। तो हम इस रो को भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने रो नंबर 1 को कंप्लीट किया था। देखिए, अभी हमने ट्विस्ट दिया, ट्विस्ट देने के बाद इन्हें सीधा सीधा बुन लिया, देन एक फंदा उल्टा और फिर चार फंदे सीधे, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए, आप देखेंगे कि हल्का सा हमारा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो दिखना शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स मैं अपनी रो नंबर 5 को भी रो नंबर 1 के जैसा ही नेट करके कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही करना है, एक फंदा उल्टा, दो फंदों में ट्विस्ट देना है, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर अगले चार फंदे जो है हमने सीधे बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको बैक रो 6 रो में बताती हूँ। तो 5th रो भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, ये देखिए हल्का सा डिज़ाइन भी दिख रहा है। अब हम आगे हैं बैक रो 6 रो में और द लास्ट रो ऑफ आर डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैक रो वैसे ही पॉल द पॉल्स निट द निट्स। ओके, जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हम वैसा ही बनाएंगे, सीधे को सीधा उल्टे को उल्टा बनाएंगे। तो बेसिकली जो हमारी रो नंबर 6 है वो हमारी रेपिटेशन है रो नंबर 2 की। तो फ्रेंड्स, इसी तरह चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा करके मैं इस पूरी रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको अगली रो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारे डिज़ाइन की पूरी 6 रोज कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से हम अपने डिज़ाइन को दोबारा चलाएँगे। ठीक है, तो जब भी हम फ्रेंड्स 6 रोज को कंप्लीट करेंगे और दोबारा अपनी रो नंबर 1 में जाएंगे, आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये हमारे चार फंदे प्लेन थे और ये ट्विस्ट वाला फंदा था। ठीक है, आप देखेंगे प्लेन, ट्विस्ट, प्लेन और ट्विस्ट वाले। ठीक है, चार फंदे ये थे, चार फंदे ये थे, चार फंदे ये हैं। ठीक, तो अब हम जब 6 सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर लेंगे और अगेन रो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ मेरे प्लेन 4 फंदे आए हैं यहाँ पे मेरा ट्विस्ट वाला स्टेप आएगा, और जहाँ पे मेरे ट्विस्ट वाले फंदे हैं वहाँ पे मेरे प्लेन वाले फंदे आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कैसे करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक फंदा उल्टा, दो फंदों पे ट्विस्ट और एक फंदा उल्टा दिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ट्विस्ट नहीं देंगे, यहाँ पे मैं प्लेन 4 फंदे बनाऊँगी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, प्लेन 4 फंदे बनाए। अब अगले प्लेन 4 फंदे हैं, इन प्लेन 4 फंदों पे मैं ट्विस्ट वाले 4 फंदे बनाऊंगी। तो इसमें पहला फंदा मेरा उल्टा आएगा, अगले दो फंदों पे मेरा ट्विस्ट है, तो पिछले फंदे को मैं लिफ्ट करके फ्रंट का फंदा बनाऊंगी और फ्रंट के फंदे को मैं पिछला फंदा बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह, और फिर इन्हें 1 by 1 करके नेट करूँगी इस तरह। ठीक है, देन अगला फंदा उल्टा। तो हो गए हमारे 4 फंदे कंप्लीट। 4 फंदे हमारे प्लेन थे, 4 फंदों पे हमने क्या किया, पहला फंदा उल्टा, दो फंदों पे ट्विस्ट, फिर एक फंदा उल्टा, हो गए 4 फंदे उल्टे। अब ये देखिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 4 हमारे ट्विस्ट वाले फंदे आए हैं, तो यहाँ पे अब हमारे प्लेन फंदे आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। आगे 4 फंदे सीधे।
अब हमारे चार फंदे सीधे हैं, तो यहाँ पे हम चार ट्विस्ट वाले लेंगे। चार ट्विस्ट वाले नहीं है, ट्विस्ट हमारा दो ही फंदों में है, पर दो फंदे साथ में उल्टे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फंदा उल्टा लिया, बीच के दो फंदों में हम ट्विस्ट देंगे और फिर आखिरी फंदा उल्टा। ठीक है, इस तरह फिर चार फंदे। अब देखिए ये ट्विस्ट वाले फंदे थे, तो अब ये चार फंदे मेरे अगले सीधे आ जाएंगे। 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए, अब आप देखेंगे हमारा डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं अभी देखिए प्लेन चार फंदे हैं, तो इन चार प्लेन चार फंदों पे मैं क्या करूँगी, ट्विस्ट वाले फंदे दूँगी। तो पहला फंदा मैं उल्टा बनाऊँगी, अगले दो फंदों पे मैं ट्विस्ट दूँगी, ठीक है इस तरह, और फिर अगला फंदा भी उल्टा। ये देखिए, और अगले चार फंदे सीधे, ये ट्विस्ट वाले फंदे हैं, तो यहाँ पे सीधा आएगा 1, 2, 3, 4। आगे चार फंदे सीधे। अब आप देखेंगे थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो दिखना भी शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स इन्हीं 6 रोज़ को अगेन मैं रिपीट करूँगी। जब ये 6 रोज़ रिपीट हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे चार प्लेन हैं, तो अगली बार यहाँ चार ट्विस्ट वाले आ जाएंगे। यहाँ चार ट्विस्ट वाले हैं, यहाँ चार प्लेन आ जाएंगे। तो बस हमने 6 फंदों के बाद अपने डिज़ाइन को जो है वो ऑल्टरनेट कर देना है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जो यहाँ है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ी और रोज नेट करती हूँ ताकि आई डिज़ाइन आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे। सो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने थोड़ी और रोज नेट कर ली हैं। अब आप देखेंगे हमारा डिज़ाइन पैटर्न कितना क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना स्ट्रेचेबल ये डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये इसकी बैक साइड है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।